एंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस की। आपकी जो वैकेंसी निकली है उसमें बिहार लोक पंचायत ऑडिट सर्विस की वैकेंसी निकली है, उसके लिए किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कैसे देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, नोटिफिकेशन में आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सब डिटेलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने से पहले मेरा निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चचलता रहे। साथ में आपसे निवेदन करूंगा, आप उनको इस वीडियो को एंड तक देखें, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी और आपके जो महत्वपूर्ण लिंक होते हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी के लिए जो निकली है हमारी उसके बारे में, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वैकेंसी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत आती है। तो विज्ञापन संख्या देखते हैं 67/2020, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं bpsc.bich.nic पे आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। 373 वैकेंसी हैं, 150 अनारक्षित के, 37 आपके आर्थिक रूप से कमजोर, बाकी लोग आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट आपकी जो दिव्यांग लोगों के लिए निकाल रखी है, सैलरी आपकी दे सकते हैं 5,000 से लेकर आपकी 20,000 तक लेगी लेवल 5 की। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ऑनर्स डिग्री के धारक सहित पास कोर्स में, इसके अतिरिक्त MBA, CA, ICAW और CS डिग्री भी धारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता से संबंधित किसी भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 18/11/2020 है। ठीक है, तो 18/11/2020 को आपको कर देना है। उम्र की सीमा 1/8/2020 से न्यूनतम 21, अधिकतम आपकी अनारक्षित के लिए 37 और पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जातियों के लिए 42 रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पे क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में आप 5 वर्ष की छूट अनिमान्य है। ठीक है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प के आपकी डिटेल आ रही है वो दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको चयन प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके लिए आपको वस्तुनिष्ठ आपको विकल्प मिलेंगे जिसमें 2 घंटे दिए जाएंगे, कुल 150 आपके अंक होंगे। प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय उत्तरों में प्रश्नों में से किसी एक उत्तर का चयन करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है, सामान्य हिंदी के 100, ठीक है, सामान्य अध्ययन के 2 प्रति आपको 300 अंकों के होंगे। यहाँ पे दे सकते हैं हिंदी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन प्रश्न द्वितीय प्रश्न 3-3 घंटे का रहेगा, 100, 300, 300। वैकल्पिक विषय आप दे सकते हैं जो कि आपके रहेंगे वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, 3 घंटे का, 300 नंबर के होंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको साक्षात्कार के पूर्ण अंक 120 होंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है उसके बारे में जानकारी दे रखी है वो। यहाँ पे आप जो सामान्य श्रेणी के लिए 40%, 36% आपके पिछड़ा वर्ग के लिए रहेंगे, 34% अनुसूचित जातियों के लिए रहेंगे और 32% अंक लाना होगा विकलांग लोगों के लिए। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है पूरी आपको दे रखे मेधा सूची निर्माण के जहाँ हेतु 2 या अधिक सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तक एक ही प्राप्त होते हैं, मेधा सूची क्रम के निर्धारण पर शैक्षिक योग्यता के ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्या क्या आपको दे रखा है, उसके स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र यहाँ पे सारी जानकारियाँ दे रखी है वो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपको शुल्क आपको दे रखा है सामान्य बढ़ोतर के लिए 600, बिहार के अनुसूचित जातियों के लिए 150 रुपये, बिहार से स्थायी सभी निवासी सभी की महिलाओं के उम्मीदवार 150 रुपये रखे, दिव्यांग के लिए 150 रुपये रखा गया है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डिटेल आ रही है वो आप दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने 21/10/2020 से 21 से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18/11/2020 है। ठीक है, तो ये सब आपको डिटेल दे रखी है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं जो ऑनलाइन आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस लिंक पे आप जाएंगे बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस पे, आप लिंक पे एडवर्टाइजमेंट पे इंस्ट्रक्शन और पे भी आप जाके दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, जैसे इसका आपका आवेदन करने का आता है तो
और फ्रेंड जैसे इसके बारे में पूरी डिटेल आती है आवेदन करने की, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।